खेल लो, मैं तो चला घर, मुझे बहुत भूख लगी है। भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोली बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। मुझे तो जग्गू के घर जाना है, चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। ये सारे मैं खाऊं भी जंगल में, मैं सोऊं भी जंगल में। जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है, ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। चलोगी मेरे साथ? मैं चलो, आजाओ आजाओ मेरे पीछे पीछे आओ। कहाँ गई पकड़ी? राजू, तुम जग्गू के घर नहीं गए तो और कहाँ गए? जग्गू के घर ही जा रहा था जब बकरी। लेकिन वो बकरी है कहाँ? चलो ढूंढते हैं। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नाच और गा रही थी, शायद पानी पीने आई होगी। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, बात समझ में राजू को। सुनो, आज मैं आप सभी ढोलकपुर वासियों को एक अजूबा दिखाने आया हूँ। आज शाम को नाटक घर में। कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हमें सिर्फ वो बकरी ही बताएगी। चलो, अब तुम डरो मत बकरी। लेकिन तुम इसके हाथ कैसे लग गई? तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। वो
बोलती हुई और गाती हुई बकरी। ये प्रदर्शन हुआ तो हम इसे कभी नहीं बचा पाएंगे भीम। इसका हल है मेरे पास। स्वागत। आओ आओ मेरी बोलती बकरी, बोलो बोलो यहाँ इतने लोगों में बकरी कौन है? हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? मैं। नहीं, मैं। चलो नाचो गाओ गाओ और नाचो। ये मामूली सी बकरी है, इसे और तंग नहीं करेंगे। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। टाटा बाय बाय। समझो कि यूं गई और यूं आई। मैं चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे उस्ताद। आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीतते हैं। और हार के जीतने वाले को ही ककालिया कहते हैं।